हाय एवरीवन, आज हम मैदे और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 10 मिनट में बना कर रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर की स्टफिंग इस तरह से बना के हरी चटनी सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो। सब मांग मांग कर खाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपसे लिए देर की इस बात की, इस टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। और ले लिया है 1 कप मैदा ले लेंगे, मैदा को छान के ले लिया है। और इसी नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच ऑयल मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे। हम रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे। डो लगा लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। तब तक इसके लिए स्टफिंग रेडी करते हैं, गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट प्याज को भून लिया है, 2 बॉयल आलू ग्रेट करके लिया, वो डालेंगे। अब हम मसाले मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी चाट मसाला, चाट मसाला से चटपटी बनेंगे। अब हम मिक्स करेंगे, इस तरह से दबाते हुए मिक्स करेंगे मसाले के साथ आलू को। देखिए मिक्स कर लिया है, और से हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करके ले लेंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब हम डो को चेक करेंगे, इधर डो भी हमारी सेट हो गई है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अब इसको कुछ सेकंड के लिए मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, 2 हिस्से में बांट लेंगे। 1 हिस्सा ले लेंगे, इस तरह से गोला करेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे थोड़ा सा। अब हम बेल लेंगे, छोटी से आकार से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। देखिए बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इधर आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, अब आलू को ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। पूरे रोटी के ऊपर इस तरह से फैलाना है। इस तरह से बनाएंगे तो समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर बना के खिलाइए सबको। सभी रोटी में लगा लिया है, अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से दबा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब इतनी दूरी तक हम कट लगा लेंगे, एक निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए एक पीस हथेली के ऊपर रख लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी नाश्ता को रेडी करके ले लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, 2 चम्मच मैदा ले लेंगे, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर रेडी करेंगे। पतला सा बेटर रेडी करना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। मिक्स कर लिया है, इसी तरह से पतला बेटर चाहिए। बेटर हमारी एकदम रेडी है। 1 पीस नाश्ता ले लेंगे और इस तरह से डीप करके ऑयल में छोड़ेंगे। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। इस तरह से डीप करके हम नाश्ता को ऑयल में छोड़ेंगे, यही प्रोसेस है। डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे और 1 साइड सिकने देंगे। गैस का पहले मीडियम करके 1 साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, दूसरी साइड भी सेक लेंगे। फिर से पलट लेंगे, इधर भी कलर चेंज हो गई है। लिया है अलट पलट के, कलर चेंज होने तक सेक लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही सेकना है, तभी हमारी नाश्ता क्रिस्पी बनेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में इस नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। शाम की हल्की फुल्की भूख हो, सुबह भी बना के खा सकते हो। बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे और बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। हाय एवरीवन, आज हम मैदे और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। शाम की हल्की फुल्की भूख हो, सुबह भी बना के खा सकते हो। अचानक मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हो। इसको खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। एक बार चलिए देर किस बात की, नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे, पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, हरी चटनी सॉस के साथ सर्व किया है। आप खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।